कोरोना महामारी ने मध्यम वर्ग की कमर को तोड़ कर रख दिया है। रोज कमाने खाने वालों को महामारी ने सबसे ज्यादा तकलीफ दिया है। अगले साल ज्यादा महामारी शुरू हुई उस समय लगन का मौसम भी चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण शादी विवाह संबंधित तमाम आयोजन पूरी तरह से बंद कर दिए गए, जिस कारण इंदौर दिव्या भारती के लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं इस बार जब फिर से शादी विवाह के तमाम आयोजनों का होना शुरू हुआ तो कोरोना ने फिर अपनी रफ्तार पकड़ ली और लगातार बढ़ते आते कोरोना मरीज के पॉजिटिव केसों की वजह से एक बार फिर इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में शादी विवाह अन्य आयोजनों की वीडियो फोटोग्राफी करके अपनी आजीविका चलाने वाले फोटोग्राफर इस समय बड़ी तंगी से गुजर रहे हैं। जी हाँ, अगले साल जहाँ उन्हें काम नहीं मिला, सरकार ने आयोजनों की छूट तो दे दी लेकिन इस पाबंदियाँ लगा दी कि फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर का काम भी पूरी तरह प्रभावित हो गया। ऐसे में घर बैठे यह लोग अपने काम को, अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। लोगों की खुशियां को कैमरे और वीडियोग्राफी के माध्यम से सहेज कर उनको देने वाले फोटोग्राफर वीडियोग्राफर आज बेकार बैठे हुए हैं। जी हाँ, एक फोटोग्राफर ने कहा कि काम तो है लेकिन उतना पैसा नहीं मिल रहा। ऐसे में 50 लोगों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में ग्राहक पैसे भी नहीं दे रहे हैं और हम लोग अपने कैमरे को आज बेचने के कगार पर आ गए हैं ताकि अन्य कोई काम कर अपनी आजीविका चला सके। जी हाँ, वही एडिटिंग का काम करने वाले महेंद्र यादव ने बताया, 3 लगन के सीजन में 3-4 महीने काम करके हम लोग साल भर अपने घर परिवार को चलाते थे। आज 2 सालों से हम लोग का काम पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। हम लोग घर पर बैठे हुए हैं, ऐसे में अब इस व्यवसाय से हम लोग का विश्वास उठ चुका है। अगर यही स्थिति रही तो आगे चलकर इस काम को हम लोगों को हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। क्या नाम है? रविशंकर गुप्ता। रवि, आप क्या काम करते हैं? वीडियो कैमरे का काम। वीडियोग्राफर है? हाँ। ऐसे में लॉकडाउन में क्या स्थिति चल रही है, कितना काम मिल रहा है? इस समय तो काम है भी नहीं और कोरोना के महामारी के संकट से काम ही नहीं मिल पा रहा है। जहाँ जहाँ जाए जितना पैसा मिलता है तो वो भी नहीं मिलता है हम लोग को। शासन ने जिस तरह प्रतिबंध लगा दिया है, 50 लोग 25 लोग की व्यवस्था कर दी, ऐसे में आप जो वीडियोग्राफी है, लोग कितना करा रहे हैं, कितना पैसा दे रहे हैं? इस समय तो ऐसे कोई पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। जहाँ जहाँ पे हम लोग मिलता था एक दिन का 1,000-2,000 मिलता है, अब तो भी नहीं मिल रहा, 200-300 लोग देते हैं। तो ऐसे में इस काम की तरफ संकट देख आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने की सोच रहे हैं? अब तो बंद करेंगे और क्या करेंगे, बंद कर दूसरा काम धंधा देखेंगे। काम ही नहीं मिल पा रहा है, क्या करेंगे? मतलब अगर स्थिति इसी तरह रही तो आप लोग एकदम बेकार हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा, तो दूसरे कामों की तरफ प्लान करेंगे। हाँ, दूसरा काम। जी, अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम महेंद्र कुमार यादव है और हमारा वीडियो मिक्सिंग का काम है, एल्बम डिजाइन भी हमारे यहाँ होता है। महेंद्र जी, जिस तरह से कोरोना काल में अगले साल जब आप लोगों के लगन ब्याह का काम शुरू हुआ, उस दौरान लॉकडाउन लग गया और 3 महीने से भी ज़्यादा समय लॉकडाउन रहा, ऐसे में लगन पूरी तरह से समाप्त हो गई। इस बार भी जब काम की शुरुआत हुई तो कोरोना पीक पकड़ लिया और लगातार 1,500-2,000 मामले आने लगे। ऐसे में आपके इन कामों पर कितना प्रभाव पड़ा, जब लोग खुशियों में आपको याद करते हैं? जी, ऐसा है कि देखिए, साल का 12 महीना होता है, 12 महीना में 3 महीने लगन होती है। उस 3 महीने के लगन से हम लोगों का पूरा 1 साल 12 महीने का खर्च चलाना पड़ता है, जिसमें कि पहले जो था, पहले 500-700-200-300 आदमी थे, व्यक्ति थे, तो उस समय जो कि थोड़ी सी वीडियो फ़ोटो ज़्यादा होती थी, घर का खर्च चलता था, अच्छे से चलता था। और जब कोरोना का कहर शुरू हुआ उसके बाद से जो कि सिमट के जो कि 50 रह गए, पिछले साल का पूरा समय खत्म हो गया, जो कि हम लोगों की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। कुछ उम्मीद बची थी कि इस बार जो कि होगा तो इस बार का कोरोना कहर इतना ज़्यादा हुआ कि वो भी खत्म हो गया। हमारे पास मतलब कि 4 स्टाफ काम करते थे, वो सारे लोग जो कि इस समय जो कि घर पे बैठे हुए हैं, अपने साथ साथ हमें उनका भी घर का खर्च देखना पड़ता है। लेकिन अब जो कि अब इतना हमारे पास जो कि इतना पैसा नहीं बचा हुआ है कि हम अपना और उनका देख सकें, मजबूरी में वो लोग अपना अब दूसरा काम कर रहे हैं, कोई काम ही नहीं है। शासन प्रशासन से मुझे ये जो कि उम्मीद है कि भाई इस कोरोना कहर पर थोड़ा सा जल्दी लगाम लगाएँ, ताकि जो कि फिर से लोगों के यहाँ शादी ब्याह हो और जो कि फिर हम लोगों का जो घर का खर्च चल सके। लगातार कोरोना ने कई जीवन अस्त व्यस्त किया, खासकर शादियों में जहां हजारों की भीड़ जुटती थी, अब वो भीड़ सिमट कर गिनती के कुछ लोग रह गए। ऐसे में फोटोग्राफी भी ज़्यादा नहीं हो पा रही, वीडियोग्राफी भी नहीं लोग करा रहे हैं।
और जो लंबी बुकिंग होती थी अब वो सिमट के काफ़ी कम पैसे की आ गई। ऐसे में आप लोगों की जो ये बचत होती है वो कितना हो पाता है? पहले क्या था कि पहले सारा खर्च काट करके कुछ हो पाता था, अब जो है कि अब हमें जो भी हम अपना लैब लगाया उसमें बिजली का बिल देना है, स्टाफ का खर्च देना है, और इनकम कम हो गई क्योंकि 50 लोग रह गए। तो पहले जो 3 घंटे की वीडियो बनती थी अब 1 घंटे की वीडियो बनती है, तो उसमें पैसा उतना मिल नहीं पाता कि हम अपना घर का खर्च चला सके, बिजली का बिल जमा कर सके। अब सब कुछ बकाया है। अरे हम योगी सरकार अपने शासन से ये चाहते हैं कि कम से कम कोरोना काल में बिजली का बिल तो माफ़ कर दे, हम लोग कम से कम जी तो सकें। नहीं तो अगर यही रवैया रहा, यही स्थिति रही, तो अगले साल कोरोना मारे न मारे हम लोग वैसे ही भुखमरी से मर जाएंगे।